हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज शाम के कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहां पर आ चुका हूं। टोटल 5-6 नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो वो सभी मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस नोटिफिकेशन के साथ। पहला नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर दोस्तों ये रहा, HPU रीजनल सेंटर धर्मशाला की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की के लिए एडमिशन नोटिस है। नॉन सब्सिडाइज्ड सीट्स के लिए आज का ही नोटिस है, तो 22 सितंबर तक जो है आपको यहां पर फीस सबमिट जो है करवा देनी है, ठीक है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन ये है, एडमिशन है आपका यहां पे फाइनलाइज्ड हुआ है MSc केमिस्ट्री के लिए और नॉन सब्सिडाइज्ड की वैकेंट सीट के लिए, ठीक। पे आपको कर देनी है 19 से लेकर 23 सितंबर तक आप फीस पे कर सकते हो 3 बजे तक। और कहाँ से पे करने वो मैंने आपको पहले बताया हुआ है, ये वेबसाइट बताई हुई है यहाँ पे admissions.hpfmula.in। यहाँ पे जाओगे, क्लिक कैंडिडेट एक्टिविटी का ऑप्शन वहाँ पे आता है, क्लिक पे आगे ऑप्शन आएगा, क्लिक पे एडमिशन फीस, वहाँ पे क्लिक करोगे, अपनी ID ओपन करोगे, वहाँ से फीस आप पे डायरेक्टली कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए आप यहाँ पे इन नंबर्स के ऊपर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, तो यहाँ पे आज का नोटिफिकेशन दोस्तों ये HPU रीजनल सेंटर धर्मशाला के लिए, तो MA अर्थशास्त्र संस्कृत, MCA PGDCA हिंदी और LLB 3 वर्षीय विषयों में सत्र 2022-23 के लिए कुछ नॉन सब्सिडाइज सीटें खाली पड़ी हैं। तो इनमें से अगर आप में से कोई है जो यहाँ पे नॉन सब्सिडाइज में कैटेगरी में इन कोर्सेज के लिए एडमिशन लेना चाहता है, जिनकी योग्यता के आधार पर ये, मेरिट के आधार पर ये भरी जाएंगी, और इसके लिए 21 सितंबर 2022 जो है आपको 900 रुपये जनरल और 550 रुपये अदर कैटेगरी जो है उनके लिए ड्राफ्ट सहित जो है काउंसलिंग के लिए उपस्थित आप हो सकते हो 21 सितंबर को। डाक द्वारा ये पत्र मान्य नहीं होंगे, ठीक है। तो ये आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक। नेक्स्ट नोटिफिकेशन दोस्तों ये रहा, ये है PhD एडमिशन नोटिस है हिस्ट्री के लिए, ये भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। फीस जो है आप 24 सितंबर तक सबमिट करवा सकते हो। नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप स्क्रीन के ऊपर ये रहा, BA LLB के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो ये नोटिफिकेशन है, और फीस आप पे कर सकते हो 19 यानी कि आज 12 बजे तक, ओके। बाकी दोस्तों नेक्स्ट नोटिफिकेशन वो आपको ऐसे ही बता देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आज जो है HPTET की पहली तो आंसर की जो फाइनल आंसर की होती है वो भी आ चुकी हैं, ठीक है। और दूसरा जो है HPTET का रिजल्ट भी आ चुका है, ठीक। तो वो भी आप रिजल्ट चेक कर सकते हो HP बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से। अगर आपको रिजल्ट चेक करना है तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे वहाँ पर एक न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा, उसके बाद आपको वहाँ पे अपना या तो एप्लीकेशन नंबर आपको याद है जो 5 डिजिट का है वो टाइप कर सकते हो, उसके बाद सबमिट, या फिर आपका जो रोल नंबर होगा वो, ठीक है। तो 5 जो अंकों का होगा है ना, 5 डिजिट का होगा वो आपका एप्लीकेशन नंबर, वो आपको वहाँ पर आपको टाइप करना है। और आप दूसरा जो है आपका रोल नंबर वो खाली छोड़ देना, वो वाला कॉलम, उनमें से मतलब कोई एक ही आपने भरना है वहाँ पे। अगर आपको एप्लीकेशन नंबर याद है तो वो भर देना, और रोल नंबर याद है तो रोल नंबर ऊपर भरना है, और सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका रिजल्ट आपको शो हो जाएगा। पास फेल पूरा डिटेल लिखी हुआ है आपकी, कि आपके कितने मार्क्स हैं, और फादर नेम मदर नेम सब कुछ वहाँ पर डिटेल में बताया होगा, ठीक। तो बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।